हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ व्रत वाले आलू की सब्ज़ी जो सिर्फ 5 मिनट में बनेगी। तो इसे बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे बॉयल्ड आलू ले लिया है। यहाँ पे मैंने छोटे वाले आलू लिया है और इसे मैंने बॉयल करके छील लिया है, इसका छिलका हटा दिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पर मूँगफली के तेल का यूज़ किया है। उसके बाद इसमें 2 से 3 हरी मिर्च काट कर डाल देंगे जब तेल गर्म हो जाए। फिर आलू है ना, उसे हाथ से इस तरीके से मैश करके डाल देंगे। आप चाहें तो घी का यूज़ कर सकते हैं या सूरजमुखी तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे जिससे इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। हाई फ्लेम पे करके आप इसे मिक्स करेंगे या ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे 2-4 सेकंड के लिए, तो इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। और अगर इसमें कुछ बड़े हिस्से हैं तो इसे थोड़ा थोड़ा हम कट करके छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसका कलर ना अच्छा सा चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इतना ही हमें इसे भूनना है। अब क्या करेंगे, आलू को किनारे कर देंगे और बीच में थोड़ा सा स्पेस बचाएंगे। और मैंने यहाँ पे 2 कटे हुए टमाटर लिए हैं, उसे हम बीच में रख देंगे इस तरीके से। और इसमें ना हमें मिलाना है सेंधा नमक, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सेंधा नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक यूज़ कर सकते हैं। और नमक को टमाटर में मिक्स कर देंगे जिससे ये जो टमाटर है वो जल्दी गल जाएगा। और अगर आप आलू में डाल देंगे इस तरीके से तो जो आलू है वो फूट भी जाएगा और टमाटर जो है वो गलेगा भी नहीं। और अब इसे कवर करके 2-3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, लो फ्लेम पे छोड़ेंगे जिससे जो टमाटर है वो मैशी हो जाए। तो ये देखिए, जो टमाटर है वो मैश हो चुका है बिल्कुल। ये देखिए, हल्का सा आप चाहें तो इसे इस तरीके से मैश भी कर सकते हैं। और अब आलूओं को टमाटर के साथ हमें मिक्स कर देना है जिससे जो टमाटर वो पूरे आलू में मिक्स हो जाए। और जो किनारों पे अगर आलू लग गया हो तो उससे छुड़ा लेंगे, क्योंकि वो जो है खाने में बहुत क्रंची होता है, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और जो भी थोड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें छोटा कर लें। अब इसमें हम क्या करेंगे, मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर यूज़ किया है। इसके साथ में ही मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर ले लिया है। और इसके साथ ही 1/2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर यूज़ किया है। यहाँ पर 1 पिंच इसमें हमें लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करना है। अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। अब इस सब मसालों को और आलू को मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। इसके अलावा हमें इसमें और कोई मसाला यूज़ नहीं करना है, बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते टाइम गैस का फ्लेम मीडियम कर दें, नहीं तो जो आलू है वो जल भी सकता है। तो ये देखिए, मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद करके इसे सर्व कर देंगे। तो ये मैंने इस पे थोड़े से भुने हुए मूंगफली ऊपर से ऐड किया है इसमें। आप चाहे तो कच्चा मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम आलू को बना रहे हैं तब। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे आलू के लच्छे भी यूज़ किए हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।